हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया था। मैं उसके आपको वर्कबुक के फोटोज भेजूंगी, तो उसमें से देख के आपको वर्कबुक कंप्लीट कर लेनी है, राइट। और आज हम न्यू चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर्स के साथ खेलना है। चैप्टर नंबर 3 इज प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, पर इसके लिए पहले तो आप लोगों को जो टेबल्स है वो याद होने चाहिए कि कौन से टेबल में कौन सा नंबर आता है, राइट। तो चलो देखते हैं कि ये चैप्टर नंबर 3 है वो क्या क्या कहता है। उसमें हमें पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसमें क्या बोला है, रमेश हैज 6 मार्बल्स विथ हिम। रमेश के पास 6 मार्बल्स थी। और फिर हमें यहाँ पर बोला है कि रमेश ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर मार्बल्स है वो अरेंज की है। तो कैसे कैसे अरेंज की है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन कैसे किया है, यहाँ पर 6 रो बनाई है, राइट। यहाँ पर हमें दिख रहा है 6 रो बनाई है और ये वन लाइन है। पहले तो ऐसे अरेंज की। फिर सेकंड वन उसने कैसे किया कि 3 रोस बनाई और 2 कॉलम्स बनाई, राइट। ये 2 कॉलम हो गए और ये 3 रोस हो गई। तो इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है। देन थर्ड वन में कैसे बनाया कि 2 रो बनाई और 3 कॉलम्स बनाई, राइट। तो ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है। देन फोर्थ वन में कैसे बनाई कि 6 कॉलम्स बनाई, तो ये एक लाइन हो गई, राइट। यहाँ पर हमें 6 कॉलम्स दिख रही है। और फिर हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि हम यहाँ पर ऐसे मार्बल्स को अरेंज करते हैं तो उसमें तो मल्टीप्लिकेशन का भी यूज होता है, राइट। 6 इज इक्वल टू 1 6 6, 6 इज इक्वल टू 2 3 6, देन 6 इज इक्वल टू 3 2 6, 6 इज इक्वल टू 6 1 6। तो सभी में हमें आंसर्स तो 6 ही मिला, क्योंकि मार्बल्स 6 थी। तो हमें इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट कैन बी सेड दैट 2 एंड 3 एग्जैक्टली डिवाइड 6। हमें यहाँ पर आगे मिला है ना 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 एंड 3 है, उससे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 एंड 3 है वो 6 के डिवाइजर्स हैं। फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 6, द एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6 आर फाउंड टू बी 1 एंड 6। और दूसरे उसके डिवाइजर कौन से हैं, 1 एंड 6, उसको भी हम डिवाइजर्स बोल सकते हैं, राइट। थस 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6। हमें यहाँ पर टोटल नंबर दिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ 6 के डिवाइजर्स है 1 2 3 एंड 6। दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। Try arranging 18 marbles in rows and find the factors of 18. तो आप लोगों को ऐसे ही 6 का जैसे किया वैसे आपको 18 का भी करना है। Second one topic is factors and multiples. Mary wants to find those numbers which exactly divide 4. मेरी ऐसे numbers को find कर सकती थी कि जिससे 4 है वो divide हो सके, ऐसे numbers उसको ढूंढने थे। She divides 4 by numbers less than 4 this way. तो मेरी ने क्या किया कि 4 से जितने भी less number है उससे 4 को divide किया। तो यहाँ पर देखो कैसे divide किया है, 1 4 4, तो 4 subtract by 4 is equal to 0। तो यहाँ पर क्या है, quotient is 4, remainder is 0। यहाँ पर quotient हमें मिला 4 and remainder 0 मिला। Then 4 is equal to 1 4 4, हमें यहाँ पर पता चल गया। Then second one, 2 2 4, तो 4 subtract by 4 is equal to 0, quotient is 2 जो यहाँ पर हमें दिया है। Remainder is 0, यहाँ पर remainder मिला। 4 is equal to 2 multiply by 2. Then third one, 3 1 3, तो 4 में से हम 3 को subtract करेंगे तो answer मिलेगा 1, quotient is 1, remainder is also 1, यहाँ पर हमें दोनों 1 1 मिले। Then fourth, 4 1 4,
4, तो 4 subtract by 4 is equal to 0, quotient is 1, remainder is 0, then 4 is equal to 4 multiplied by 1. She finds that the number 4 can be written as 4 is equal to 1 multiplied by 4, 4 is equal to 2 multiplied by 2, 4 is equal to 4, 1s are 4, and knows that the numbers 1, 2 and 4 are exact divisors of 4. 4 ko hum kisse divide kar sakte hain? 1, 2 and 4 se, right? Par 3 se divide nahi kar sakte. To kya bol sakte hain? 1, 2 and 4 hai, wo exactly 4 ke divisors hai. These numbers are called factors of 4. इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. जो फैक्टर होते हैं नंबर्स के, उसे हम एग्जैक्टली डिवाइजर बोल सकते हैं, जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसका. ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4. हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो नंबर से हमने 4 को डिवाइड किया है यहाँ पर, वो या तो लेस देन है और या तो इक्वल टू 4 है, क्योंकि हमने 1, 2, 3 एंड 4 चारों से हमने डिवाइड किया है, राइट? तो या तो वो लेस देन है और या तो इक्वल टू 4 है. देन यहाँ पर हमें गेम दी गई है. दिस इज ए गेम टू बी प्लेड बाई 2 पर्सन, से ए एंड बी. ये गेम है वो 2 पर्सन खेल सकते हैं, ए एंड बी उसे बोल सकते हैं. इट इज अबाउट स्पॉटिंग फैक्टर्स. ये फैक्टर्स के बारे में जो गेम है. तो यहाँ पर क्या किया है कि जो पीसेस है कार्ड्स के, वो हमने यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, राइट? देन यहाँ पर वो गेम के स्टेप्स दिए गए हैं, राइट? तो ये स्टेप्स है वो आपको एक बार रीड कर लेना है, और ये गेम है वो आपको अपने सिस्टर या तो ब्रदर और या तो आपके फ्रेंड्स के साथ खेलनी है. ये जो रूल्स है ये हमें यहाँ पर बताए गए हैं, वो आपको एक बार रीड कर लेने हैं और फिर आपको खेलना है. देन नेक्स्ट हमें क्या बोला है? व्हेन वी राइट ए नंबर 20 एज 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5. हम 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? 4 मल्टीप्लाई बाई 5. वी से 4 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 एंड 5 है वो 20 के फैक्टर्स है. वी ऑल्सो से दैट 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5. हम क्या बोल सकते हैं कि 20 है वो 4 एंड 5 का मल्टीपल है, राइट? हम ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो यहाँ पर हमने दिखाया गया है 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20. तो 4 एंड 5 दोनों को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर. और यहाँ पर 20 को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल, राइट? क्योंकि 4 एंड 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 20. तो 20 को मल्टीपल बोल सकते हैं, एंड जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे मल्टीपल कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? फैक्टर. Then the representation 24 is equal to 2 multiplied by 12 shows that 2 and 12 are factors of 24, whereas 24 is a multiple of 2 and 12. यहाँ पर हमें 24 का बोला है कि 2 multiplied by 12 हम लिख सकते हैं, तो 2 and 12 है वो उसके factors है, and 24 है वो multiple है 2 and 12 का, right? We can say that a number is a multiple of each of its factors. हम क्या बोल सकते हैं कि जिस नंबर को हम मल्टीपल करते हैं, दो पार्ट्स करते हैं, तो उसे हम उसका मल्टीपल बोल सकते हैं, राइट? Then let us now see some interesting facts about factors and multiples. चलो हम कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स देखते हैं. यहाँ पर क्या बोला है ए वाला? कलेक्ट ए नंबर ऑफ वुडन और पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स ईच. एक आपको वुडन या तो पेपर की स्ट्रिप्स कलेक्ट करनी है कि जिसकी लेंथ 3 यूनिट हो ईच की, राइट? देन बी वाला क्या बोला है? जॉइन देम एंड टू एंड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. हमें यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसके हिसाब से आपको एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन करना है, राइट?
फर्स्ट स्टेप में वन रखा है, देन सेकंड में टू, देन थ्री, फोर एंड फाइव। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एट द टॉप इज थ्री। हमें यहाँ पर टॉप में जो स्ट्रिप दी गई है उसकी लेंथ है थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री यूनिट्स, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये वन कार्ड ही है और यहाँ पर नंबर है थ्री, तो यहाँ पर आंसर आएगा थ्री। देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप बिलो इट इज थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स यूनिट्स। देन उसके नीचे है थ्री एंड थ्री, टू कार्ड्स है, तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, राइट। ऑल्सो सिक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। सिक्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पर टू कार्ड्स है और थ्री थ्री यूनिट्स के हैं, तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री करेंगे तो भी आंसर आएगा सिक्स। देन द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रिप इज थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन यूनिट्स। उसके नीचे जो है उसमें जो थ्री कार्ड्स लगाए हैं, राइट, और हर एक है वो थ्री यूनिट्स का है, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करेंगे तो आंसर आएगा नाइन, और थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री करेंगे तो भी आंसर नाइन आएगा। कंटिन्यूइंग दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द अदर लेंथ एज 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर 4 स्ट्रिप्स हैं, तो हम एडिशन करेंगे तो भी आंसर 12 आएगा, या तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि यहाँ पर 4 कार्ड्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो भी यहाँ पर आंसर 12 आएगा, और यहाँ पर 5 स्ट्रिप्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर है वो 15 मिलेगा, राइट। We say that the numbers 3, 6, 9, 12, 15 are multiples of 3. हम क्या बोल सकते हैं कि 3, 6, 9, 12 and 15 है वो 3 के multiples है, right? The list of multiples of 3 can be continued as 18, 21, 24, dash, 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 dash. इसे हम continue रखना चाहें 3 के multiples को, तो हम क्या रख सकते हैं 18, 21, 24, राइट, ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा। ईच ऑफ दिस मल्टीपल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जो मल्टीपल्स होंगे 3 के, या तो वो ग्रेटर देन होंगे या तो इक्वल टू 3 होंगे, पर उससे लेस नहीं होंगे। द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24, डैश डैश डैश। अगर हम 4 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या बोलना है, सिंपल है, 4 का हमें टेबल बोलना है, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24। ऐसे ही हम 4 के मल्टीपल्स है वो भी फाइंड कर सकते हो, ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, इसका लिस्ट है वो एंडलेस है, क्योंकि उसका कभी एंड ही नहीं है। Each of these numbers is greater than or equal to 4. इसमें भी ऐसा ही होगा कि हर एक जो नंबर होगा या तो equal to 4 होगा या तो उससे greater than होगा, पर 4 से less than नहीं होगा, right? Then next one क्या बोला है? Let us see what we conclude about factors and multiples. चलो हम देखते हैं कि factors and multiples में क्या होता है। फर्स्ट वन है, इज देयर एनी नंबर विच अकर्स एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है कि जो हर एक नंबर का फैक्टर है? यस, इट इज वन। यस, ऐसा नंबर है, और वो कौन सा नंबर है? वन। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स, 18 इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई 18 एंड सो ऑन, राइट, क्योंकि 1 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर ही मिलता है, तो 1 है वो हर एक नंबर का मल्टीपल है, राइट, और उसका फैक्टर भी है। चेक इट फॉर ए फ्यू मोर नंबर्स, आप चाहे तो उसे कुछ और एग्जांपल से चेक कर सकते हो। वी से 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, ये आपको याद रखना है। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि वन है उससे हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। देन सेकंड वन, कैन सेवन बी ए फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ,
क्या 7 है वो अपने आप का फैक्टर है? यस, यू कैन राइट 7 एज 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हम 7 कैसे भी लिख सकते हैं, 7 1 7, राइट। व्हाट अबाउट 10? 10 के बारे में क्या आप सोचते हैं? यस, इसमें भी आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, राइट। देन 15, उसमें भी ऐसा ही आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1। You will find that every number can be expressed in this way. आप लोग हर एक नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। We say that every number is a factor of itself. और हर एक नंबर जो है वो अपने आप का भी फैक्टर है, राइट। ये नंबर जो आप देख रहे हैं नोट्स है वो आपको याद रखने है, जो डार्क ब्लैक कलर में आपको दिया गया है वो आपको आगे चलकर बहुत ही काम आएगा, तो ये आपको याद रखना है। देन थर्ड वन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16? 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दे आर 1 2 4 8 16। उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 एंड 16। आउट ऑफ दिस फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? कि आप लोग इसमें से कोई ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हो कि जिससे 16 है वो डिवाइड ना हो सके? नो, क्योंकि जो फैक्टर्स है उससे तो हम जो नंबर है वो डिवाइड कर ही सकते हैं, तो ही उसका फैक्टर हम बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि इसके टेबल में, ये सभी के टेबल में 16 है वो तो आता ही है। ट्राई इट फॉर 20 एंड 36। आप लोगों को 20 एंड 36 की भी ट्राई करनी है। यू विल फाइंड दैट Every factor of a number is an exact divisor of that number. कि जो हमें factors मिलते हैं वो ही exactly divisor होते हैं जिसके हम factors find कर सकते हैं, right? For example, 16 है तो ये सभी factors है, उससे exactly हम 16 को divide कर सकते हैं। Then fourth one, what are the factors of 34? 34 के factors कितने हैं? They are 1 2 17 and 34 itself. कौन कौन से हैं? 1 2 17 and 34 खुद भी उसका फैक्टर है। आउट ऑफ दिस विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? इसमें से ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है? इट इज 34 itself. वो खुद ही 34 है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है। द अदर फैक्टर्स 1 2 and 17 आर लेस देन 34. 1 2 and 17 है वो तो 34 से लेस देन है। ट्राई टू चेक दिस फॉर 64 81 एंड 56। अब चाहे तो इसके 34 81 एंड 56 के साथ चेक कर सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से या तो वो नंबर है वो लेस देन होता है और या तो इक्वल टू होता है, राइट। पर हमने मल्टीपल में क्या देखा था कि मल्टीपल है या तो ग्रेटर देन उससे होगा या तो इक्वल टू होगा, पर फैक्टर में क्या होगा कि फैक्टर है वो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, राइट। देन फिफ्थ वन, द नंबर 76 हैज 6 फैक्टर्स। 76 के पास 6 फैक्टर्स है। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 136 और 96 है? 136 एंड 96 के पास कितने फैक्टर्स है? यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दिस। आप लोग जो नंबर्स होते हैं उसके फैक्टर्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए एबल है। इवन इफ द नंबर्स आर एज लार्ज एज 10,576, 25,642 etc. or larger, you can still count the number of factors of such numbers. Through, you may find it difficult to factorize such numbers. इसमें हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पर हम इसका फैक्टर्स है वो फाइंड कर सकते हैं और उसके नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? फिर उससे हमें क्या पता चला है? We say that numbers of factors of a given number are finite. जो हमें नंबर दिया गया है उसके फैक्टर्स है वो फाइनाइट हमें मिलते हैं, इनफाइनाइट नहीं मिलते हैं। पर मल्टीपल्स है वो हमें इनफाइनाइट मिल सकते हैं, पर फैक्टर्स है वो तो हमें फाइनाइट ही मिलेंगे।
Then sixth one, what are the multiples of 7? 7 के multiples क्या क्या है? Obviously 7, 14, 21, 28, etc. You will find that each of these multiples is greater than or equal to 7. हमें इससे पता चलता है कि इससे multiple है या तो 7 से greater than है और या तो equal to है. Will it happen with each number? क्या ये हर एक number के साथ होता है? Check this for the multiples of 6, 9 and 10. आप चाहे तो 6, 9 and 10 के साथ check कर सकते हो. पर ये right ही है कि जो मल्टीपल्स होते हैं या तो इक्वल टू नंबर होगा और या तो ग्रेटर देन नंबर. वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. उससे हमें फाइनली पता चल गया कि जो हर एक नंबर है उसका मल्टीपल है या तो ग्रेटर देन उससे होगा और या तो इक्वल टू उसके नंबर के होगा. देन सेवंथ, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स लिखो. They are 5, 10, 15, 20, dash, dash, dash. Do you think this list will end anywhere? क्या आप लोगों को लगता है कि ये लिस्ट है वो कभी एंड होगा? No, the list is endless. No, ये कभी एंड नहीं होगा. Try it with multiples of 6, 7, etc. आप लोग 6 एंड 7 के मल्टीपल्स के साथ चेक कर सकते हो. तो उससे हमें क्या मिला? We find that the number of multiples of a given number is infinite. जो नंबर होता है उसके मल्टीपल्स हम फाइंड करेंगे तो वो इनफाइनाइट होते हैं, पर फैक्टर्स है वो फाइनाइट होते हैं. Then eighth one, can 7 be multiple of itself? 7 है वो खुद का मल्टीपल है. Yes, because 7 is equal to 7 multiplied by 1. ये हम लिख सकते हैं. Will it be true for other numbers also? क्या वो other number के लिए भी true है? Try it with 3, 12 and 16. 3, 12 and 16 के साथ आप check करो. इसमें भी ऐसा ही होगा, right? क्योंकि सभी में हम 1 से multiply कर ही सकते हैं. Then हमें क्या पता चला? You will find that every number is a multiple of itself. उससे हमें पता चला कि हर एक नंबर है वो खुद का मल्टीपल है. Then next one हमें क्या बोला है? The factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 6 के factors 1, 2, 3 and 6 है. Also 1 plus 2 plus 3 plus 6 is equal to 12. इन सभी का addition करेंगे तो हमें 12 मिलेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं? 2 multiply by 6. We find that the sum of the factors of 6 is twice the number 6. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 6 के factors है और उससे twice करेंगे, मतलब कि 2 से हम multiplication करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा. तो 6 का double मिलेगा. All the factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Adding these, we have 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28 is equal to 56. जो कि 28 से डबल है, मतलब कि 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलेगा, right? तो हमें क्या मिला है कि the sum of the factor of 28 is equal to twice the number 28. A number for which sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. The number 6 and 28 are perfect numbers. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 6 and 28 है वो perfect number है, क्योंकि उसके हम factors find करेंगे और उसका addition करेंगे और उसे हम 2 से multiply करेंगे तो हमें उसका double answer मिलेगा, कि जो number है उसका double मिलेगा. तो वो perfect number है, right? Then, is 10 a perfect number? क्या 10 है वो perfect number है? आप लोगों को check करना है. Then, यहाँ पर example number 1, 2 and 3 दिए गए हैं. तो जो example हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो आप लोगों को एक बार check कर लेना है और आप लोगों को देख लेना है, right? क्योंकि इसमें तो हमें समझ में आता ही है. और जो हमें नीचे exercise दी गई है, वो हम notebook में देखेंगे, right?
तो ये एग्जांपल्स है और सॉल्यूशन इसमें दिया ही गया है, तो आप लोगों को एक बार देख लेना है और काउंट करके चेक कर लेना है। देन एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमें नीचे दिए गए हैं वो नंबर्स के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो ये सभी नंबर्स के फैक्टर्स हम नोटबुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए किया है 24, तो 24 के कितने मल्टीप्लीकेशन होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4। सो फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24, राइट? क्या होगा? पहले हम सभी को सभी टेबल्स में लिखना है कि कौन कौन से टेबल में 24 आता है। 1 24 24 2 12 24 3 8 24 4 6 24 6 4 24, राइट? तो ये सभी जो नंबर्स हमें मिले वो 24 के फैक्टर्स मिल गए। देन बी वाला है 15, 15 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। सो फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 15। देन सी वाला 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21। सो फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1, 3, 7 एंड 21। देन डी 27 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 27, 3 9 जा 27, 9 3 जा 27। फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1, 3, 9, 27। ई वाला है 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देन एफ उसमें है 20, तो 20 के हम क्या करेंगे फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा 20। सो फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। देन जी वाला 18 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। देन एच वाला 23, तो 23 है वो तो कोई भी टेबल में नहीं आता है, राइट? तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 23। सो फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 1 एंड 23। देन आई वाला 36 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। सो फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं। तो उसमें फर्स्ट वाला दिया गया है हमें 5, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो हमें 5 का टेबल 5 तक काउंट करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25। देन बी वाला है उसमें 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 8 का टेबल है वो 5 तक काउंट करेंगे, तो उसके मल्टीपल्स हमें मिल जाएंगे 8, 16, 24, 32 एंड 40। देन सी वाला है उसमें हमें 9 का बोला है, तो 9 का टेबल हम 5 तक काउंट करेंगे, सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 एंड 45। देन क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें मैच द फॉलोइंग बोला है, राइट? ये आपको टेक्स्ट बुक में देखना है और उसके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर 35, 15, 16, 20 एंड 25 दिया गया है और यहाँ पर उसके राइट आंसर्स दिए गए, तो उसे हमें मैच करना है। तो 35 है वो किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7, बिकॉज 7 5 से 35 होता है, राइट? देन 15, तो 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 15 टू जा 30 होता है,
देन 16. तो 16 क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 8. 8 टू 16 होता है, राइट? देन 20. फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 20 ones are 20. देन 25. तो फैक्टर ऑफ 50, बिकॉज 25 2 are 50. देन क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है कि 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 100 तक जितने आते हैं वो, राइट? तो 9 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं 9, 18, 27, 35, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99. 9 का टेबल हमने 11 तक बोला है, तो हमें यहाँ पर 99 तक आंसर्स मिल गए, राइट? तो ये सब हो गए 9 के मल्टीपल्स जो 100 के अंदर आते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो फिनिश होती है। देन नेक्स्ट वन टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, मतलब कि जो डिवाइड हो सके और डिवाइड ना हो सके। प्राइम नंबर मतलब कि जो नंबर है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल 23, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है वो उसे बोलते हैं कि जो नंबर है वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सके, फॉर एग्जांपल 8, 2 4 8 होता है, तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। वी आर नाउ फेमिलियर विद द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, हमें पता चल गया है कि फैक्टर्स क्या होता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए फ्यू नंबर्स अरेंज्ड इन दिस टेबल, हमें यहाँ पर टेबल में उसके फैक्टर्स दिए गए और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए गए, वो आपको ऑब्जर्व करना है। देखो हमें यहाँ पर 1 से लेके 12 तक नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर उसके फैक्टर्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स के उसके फैक्टर्स कितने हैं वो काउंट करके यहाँ पर लिखे, तो ये टेबल है वो आपको ऑब्जर्व कर लेना है। वी फाइंड दैट ए द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, इट मीन्स इटसेल्फ, हमें क्या पता चलता है कि 1 है जो नंबर 1, उसे ओनली 1 ही फैक्टर है, वो खुद ही है। Then B वाला, there are numbers having exactly 2 factors, 1 and the number itself. हमें और भी ऐसे numbers मिले हैं कि जो अपने खुद का factor हो, right? Such number are 2, 3, 5, 7, 11, etc. ऐसे number है जो खुद के अपने factors है और 1 है, वो उसका factor है. These numbers are prime numbers. ऐसे नंबर से उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं कि जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से भी डिवाइड हो सके। द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यहाँ पर प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है। देन ट्राई टू फाइंड सम मोर प्राइम नंबर्स अदर देन दिस, यहाँ पर दिए गए है उसके अलावा आपको कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। Then C, there are numbers having more than 2 factors like 4, 6, 8, 9, 10 and so on. हमें यहाँ पर कुछ और numbers भी मिले हैं कि जिसके 2 factors से ज्यादा factor है, for example 4, 6, 8, 9 and 10 और ऐसे तो कई सारे हैं। These numbers are composite numbers, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? Composite numbers. Numbers having more than 2 factors are called composite numbers. जिसके 2 से ज्यादा factors हो उसको हम composite numbers बोल सकते हैं। यहाँ पर नोट हमें क्या बोली है? 1 is neither a prime nor a composite number. 1 है वो prime number भी नहीं है और composite number भी नहीं है, तो उसमें हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों में हमें काउंट नहीं करना है 1 को। देन इज 15 ए कंपोजिट नंबर, 15 है वो कंपोजिट नंबर है, यस, व्हाई? क्योंकि 3 5 15 होता है, तो 3 5 1 15 फैक्टर से वो 2 से ज्यादा हुए, राइट? व्हाट अबाउट 18 25, उसमें भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये है वो कंपोजिट नंबर्स है। Then, without actually checking the factors of a number, we can find prime numbers up to 1 to 100 with an easier method. हम factors को count किए बिना ही हम find कर सकते हैं कि वो prime number है या तो composite numbers है. This method was given by a Greek mathematician, Eratosthenes.
इन द थर्ड सेंचुरी BC, लेट अस सी मेथड लिस्ट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एज शोन बिलो। हमें एरेस्टोटल ने यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से उसने काउंट किया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। चलो हम वो देखते हैं। पहले तो क्या करना है कि 1 से 100 तक नंबर्स लिख लेने हैं। देन स्टेप 1 क्या बोला है, क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। हमें क्या करना है कि 1 को पहले तो क्रॉस कर देना है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। देन स्टेप 2 एन सर्कल 2 के ऊपर सर्कल करो। देन क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उसके ऊपर क्रॉस करो। अदर देन 2 इटसेल्फ इट मींस 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब कि 2 के टेबल में जितने भी आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 राइट, 2 के ऊपर सर्कल करना है और 4, 6, 8, 10, 12 अदर जितने भी है उसके ऊपर हमें क्रॉस आउट करना है। देन स्टेप 3 यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3। देन अनक्रॉस किया हुआ नंबर है वो 3 होगा राइट। तो हमें क्या करना है, एन सर्कल 3 को सर्कल करना है एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 अदर देन 3 इटसेल्फ। 3 के जितने भी मल्टीपल्स है 6, 9, 12 etc राइट, उसके ऊपर हमें क्रॉस कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है अदर देन 3 इटसेल्फ। मतलब कि 3 के ऊपर क्रॉस नहीं करना है, उसके ऊपर सर्कल करना है। देन स्टेप 4 द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 5। फिर उसके बाद में हम चाहेंगे तो अनक्रॉस किया हुआ नंबर कौन सा होगा, 5। एन सर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 अदर देन 5 इटसेल्फ। क्या करना है, 5 के जितने भी मल्टीपल्स है उसे हमें क्रॉस करना है और 5 पे हमें सर्कल करना है। स्टेप नंबर 5 इज कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर एनसर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। ये प्रोसेस हमें तब तक चालू रखनी है कि जब तक या तो कोई नंबर सर्कल में ना हो और या तो क्रॉस में ना हो राइट। देन ऑल द एनसर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। हमें सर्कल किए गए जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स मिले होंगे। ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर्स। जो क्रॉस किए हुए नंबर होंगे 1 के अलावा वो सभी हमें कंपोजिट नंबर्स मिले हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड ए सीव ऑफ इरेटोस्थेनस। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सीव ऑफ इरेटोस्थेनस। देन यहाँ पर एक ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है और ट्राई करना है कि ये 2 × 3 किया है और +1 किया है तो ये 7 मिला है, तो वो प्राइम नंबर मिला है, तो वो सभी 2 के मल्टीपल्स में सच होता है या नहीं वो आपको ट्राई कर लेनी है। देन एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका लिस्ट बनाना है और यहाँ पर हमें लिखना है बाय ऑब्जर्विंग द सीव मेथड वी कैन इजिली राइट द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स एज 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। जो हमने ऊपर टेबल में दिखा सीव मेथड में उसके हिसाब से हम इजिली लिख सकते हैं कि कौन से हैं प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 जो 15 से लेस देन है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ओड नंबर्स। डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? क्या आप लोगों ने ये नंबर्स में कुछ पैटर्न देखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ देम इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ये सभी क्या है, 2 के मल्टीपल्स है राइट। दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इन सभी को क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। द रेस्ट ऑफ द नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। जो बाकी बचे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। इन सभी को क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स। You can verify that a 2-digit number or a 3-digit number is even or not. आप लोग चाहे तो 3-digit number या तो 2-digit number को verify कर सकते हो। How will you know whether a number like
7,56,482 इज इवन। आप लोग कैसे जानोगे कि ये नंबर है वो इवन है या तो ओड है? बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 विल इट नॉट बी टेडियस। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा या नहीं उसे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर इवन है या तो ओड। अगर ये नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा तो ये इवन नंबर है और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ओड नंबर है। वी से दैट ए नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 एट द वंस प्लेस इज एन इवन नंबर। हम क्या बोल सकते हैं कि जो लास्ट में मतलब कि वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर्स हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इवन नंबर। सो 350, 4,862, 59,246 आर इवन नंबर्स क्योंकि ये सभी में वंस की प्लेस पर 0, 2, 6 ऐसे नंबर्स हैं। द नंबर्स 457, 2,359, 8,231 आर ऑल ओड। ये सभी नंबर्स है वो ओड नंबर्स है। Let us try to find some interesting facts. चलो कुछ interesting facts देखते हैं। A है, which is the smallest even number? कौन सा ऐसा number है जो smallest even number है? It is 2. Which is the smallest prime number? It is again 2. पर smallest prime number कौन सा है? वो भी 2 ही है. Thus, 2 is the smallest prime number which is even. 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है कि जो इवन नंबर भी है कि जो स्मॉलेस्ट है। देन बी वाला, द अदर प्राइम नंबर्स आर 3, 5, 7, 11, 13। डू यू फाइंड एनी इवन नंबर इन दिस लिस्ट? कि आप लोगों ने ये लिस्ट में कोई इवन नंबर देखा? ऑफ कोर्स नॉट, दे आर ऑल ओड। ये सभी है वो ओड नंबर्स हैं। थस We can say that every prime number except 2 is odd. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 के अलावा जो सभी prime number है वो odd है। Then next one हमें exercise number 3.2 दी गई है। What is question number 1? What is the sum of any 2? A. Odd numbers. B. Even numbers. चलो हम notebook में देखते हैं। ए वाला देखो, द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स इज एन इवन नंबर। 2 ओड नंबर्स का सम करेंगे तो वो इवन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 + 3 ये दोनों है वो ओड नंबर है, पर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें 4 मिलेगा जो इवन नंबर है। देन 3 + 5 = 8। देन बी वाला, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। एनी 2 इवन नंबर्स का हम सम करेंगे तो वो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। 2 + 4 = 6 एंड 6 + 8 = 14। तो वो तो हमें इवन नंबर्स ही मिला। देन क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये मैंने यहाँ पर आंसर्स तो लिख ही दिए, आपको एक बार रीड कर लेना है। और यहाँ पर जहाँ पर F लिखा है वो फॉल्स है और T लिखा है वो ट्रू है, राइट? तो ये एक बार देख लेना है आपको और यहाँ पर आंसर्स लिख देने हैं, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। आपको ऐसी कुछ पेयर्स फाइंड करनी है कि जो प्राइम नंबर्स भी हो और जिसमें सेम डिजिट्स यूज हुए हो, राइट? तो ये भी हम नोटबुक में देखते हैं। लुक हियर, 17 and 71 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है और सेम डिजिट्स है, राइट? देन 37 and 73 and 79 and 97। तो ये सभी पेयर्स जो है वो ऐसी है कि जो प्राइम नंबर्स है और जिसमें सेम डिजिट्स यूज हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से लेस जितने भी नंबर्स है उसे हमें सेपरेट करना है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में। तो चलो हम नोटबुक में देखते हैं।
लुक हियर, प्राइम नंबर्स कितने हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. देन कॉम्पोजिट नंबर्स वो कितने हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. तो ये हमने सेपरेट कर लिए प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 and 10 के बीच में कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7. राइट, क्या आएगा आंसर? 7, क्योंकि 7 है वो 1 to 10 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है. राइट, देन क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 odd primes. हमें यहाँ पर A to D तक दिए गए हैं, तो चलो हम ये नोटबुक में देखते हैं. A वाले में हम क्या करेंगे? 3 + 41 करेंगे, तो ये दोनों भी odd numbers है. राइट, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 44 जो हमें दिया गया है, ये दोनों हमने odd numbers में लिख दिए, जो दोनों का सम होगा यहाँ पर 44 होगा. देन B वाला 5 + 31 करेंगे, तो हमें यहाँ पर 36 मिलेगा. देन C 7 + 17 = 24, ये दोनों odd numbers है और ये even है. देन D वाला 7 + 11 = 18, तो ये सभी के answers हमें मिल गए. देन क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 pairs ऑफ प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2. ऐसी हमें 3 pairs प्राइम नंबर्स की देनी है कि जिसमें डिफरेंस है वो 2 का हो. रिमार्क, 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. उसको हम क्या बोलते हैं? Twin primes. तो उसके आंसर हम नोटबुक में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? 3 and 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 2 का है. राइट, देन 5 and 7 एंड नेक्स्ट 11 and 13. देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. इन चारों में से कौन से ऐसे नंबर है कि जो प्राइम नंबर से, तो उसमें आएगा 23 and 37, ये दोनों है वो प्राइम नंबर से. राइट, देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम. तो चलो ये भी हम क्वेश्चन नंबर 9 है वो नोटबुक में देखते हैं. उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96, ये सभी है वो कॉम्पोजिट नंबर्स है जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd primes. इसमें हमें A to D तक दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है कि 3 odd primes का सम करना है कि जो हमें यहाँ पर A नंबर मिले. राइट, तो ये हम नोटबुक में देखेंगे. और क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 pairs ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 व्हिच सम इज डिविजिबल बाय 5. ये भी हम नोटबुक में साथ में ही देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में A वाला हमें क्या दिया गया है? 21. उसमें हम क्या करेंगे? 3 + 7 + 11, इन सभी का सम करेंगे तो आंसर 21 मिल जाएगा. देन 31 = 3 + 11 + 17. देन C वाला 53 है, तो 13 + 17 + 23. देन D वाला है 61, तो क्या आएगा? 19 + 29 + 13. राइट, देन क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोला था, तो उसमें क्या आएगा? 2 + 3 = 5, 7 + 13 = 20, 3 + 17 = 20, 2 + 13 = 15, 5 + 5 = 10. तो ये 5 हो गए. राइट, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक में देखनी है. उसमें देखो ए वाला क्या है? ए नंबर विच हैज ओनली 2 factors इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर. उसमें आंसर क्या आएगा? प्राइम नंबर. देन बी वाली क्या है? ए नंबर विच हैज मोर देन 2 factors इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर. देन सी वाला है, 1 इज आइदर प्राइम नंबर नोर कॉम्पोजिट नंबर. राइट,
देन डी वाला है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन ई वाला है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, देन एफ वाला है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं, ये सभी आंसर्स आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। नंबर्स की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। इज द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2 बाय 4 बाय 5? 38 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, या तो 5 से हो सकता है, या 4 से। बाय एक्चुअली डिवाइडिंग 38 बाय दिस नंबर्स वी फाइंड दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4 एंड बाय 5। हमें पता चलेगा कि वो 2 से डिवाइड होगा बट 4 एंड 5 से नहीं होगा। लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड ए पैटर्न दैट कैन टेल अस वेदर अ नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। डू यू थिंक सच पैटर्न्स कैन बी इजीली सीन? तो चलो वो हम पैटर्न देखते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से डिविजिबल हो वो। चारू वॉज लुकिंग एट द मल्टीपल्स ऑफ 10। चारू है वो 10 के मल्टीपल्स देख रही थी। द मल्टीपल्स आर 10, 20, 30, 40, 50, 60। शी फाउंड समथिंग कॉमन इन दिस नंबर। उसने क्या फाउंड किया कि उसमें कुछ कॉमन था। कैन यू टेल व्हाट? क्या आप लोग कह सकते हो कि क्या होगा? जीरो, राइट? ईच ऑफ दिस नंबर्स हैज जीरो इन द वंस प्लेस। ये सभी की वंस की प्लेस में जीरो था। सी थॉट सम ऑफ मोर नंबर्स विथ जीरो एट वंस प्लेस लाइक 100, 1000, 3200, 7010. She also found that all such numbers are divisible by 10. उसने क्या फाउंड किया कि जिसके वंस के प्लेस पर जीरो आएंगे ये सभी नंबर्स में, तो वो है वो 10 से डिविजिबल होगा, राइट? She finds that if a number has zero in the ones place, then it is divisible by 10. तो ये हमें तो पता ही चल गया है, राइट? Can you find out the divisibility rule for 100? क्या आप लोग 100 का divisibility rule है वो find कर सकते हो? Then next is divisibility by 5. Money found some interesting pattern in the numbers 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Money ने ये जो numbers थे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग patterns देखे। Can you tell the pattern? क्या आप लोग बोल सकते हो? Look at the units place. All these numbers have either 0 or 5 in their ones place. ये जो सभी numbers है उसमें या तो 0 है और या तो 5 है। Look at the units place. We know that these numbers are divisible by 5. हम ये जानते हैं कि ये जो numbers है वो 5 से divide हो सकते हैं। Money took up some more numbers that are divisible by 5 like 105, 215, 6205, 3500. Money ने ये सभी numbers भी find किए कि जो 5 से divide हो सके। Again, these numbers have either 0 or 5 in their ones place. ये सभी में भी हमें दिखता है कि या तो उसकी ones की place पर 5 है और या तो 0 है। He tried to divide the numbers 23, 56, 97 by 5. Money ने ये सभी numbers को 5 से divide करने की कोशिश थी। Will he be able to do that? क्या वो करने के लिए able है? No, क्योंकि यहाँ पर 0 and 5 है, वो ones की place पर नहीं है, right? He observed that a number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. तो उसे क्या पता चल गया कि या तो उसके ones के place पर 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए, तो ही वो 5 से divisible हो सकता है। Other numbers leave a reminder. और जो बाकी बचते हैं उसे reminder बोलते हैं। Is 17 lakhs 50,125 divisible by 5? क्या ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है? या आपको चेक करना है। Then next one है divisibility by 2.
चारों ऑब्जर्व्स अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2 टू बी 10, 12, 14, 16 एंड ऑल्सो नंबर्स लाइक 2410, 4356, 1358, 2972, 5974, ये सभी नंबर्स है वो चारों ने ऑब्जर्व किए. सी फाइंड्स सम मोर पैटर्न इन द वंस प्लेस ऑफ दीज नंबर्स. उसने पैटर्न फाइंड की जो वंस के प्लेस पर थी. कैन यू टेल दैट, क्या आप लोग बोल सकते हो? These numbers have only the digits 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place. ये सभी numbers में क्या था ones के place पर? 0, 2, 4, 6 and 8. She divides these numbers by 2 and gets remainder 0. तो वो है वो 2 से divide करेगी तो उसे remainder 0 मिलेगा. She also finds that numbers 2467, 4829 are not divisible by 2. उसने ये भी find किया कि ये दोनों number है वो 2 से divide नहीं हो सकते. These numbers do not have 0, 2, 4, 6 or 8 in their ones place. ये numbers है उसकी ones के place पर 7, 9 है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, right? तो ये 2 से divide नहीं हो सकते. Looking at these observations, she concludes that a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6, or 8 in its ones place. हम कोई भी number को 2 से तभी ही divide कर सकते कि जब उसकी ones के place पर 0, 2, 4, 6, or 8 उसके ones के place पर हो, right? Then, ऐसे ही हमें यहाँ पर divisibility by 3 दिया गया है, divisibility by 6 दिया गया है, divisibility by 4 and हमें पीछे भी कुछ दिए गए हैं. तो मैंने यहाँ तक के तो explain किए, right? और यहाँ पर 3, 6, 4 और जो पीछे दिए गए वो आपको एक बार read कर लेने की, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से numbers ऐसे जो 3, 6, 4 and जो पीछे दिए गए उसके हिसाब से divisible हो सके, right? ये तो आप लोग कर ही सकते हो क्योंकि अभी आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए हो, राइट? तो ये आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा. लुक हियर, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 8 दिया गया है, डिविजिबिलिटी बाय 9 दिया गया है, देन डिविजिबिलिटी बाय 11 भी दिया गया है, राइट? तो ये आप लोग है वो एक टाइम रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या बोलता है, राइट? तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ रखते हैं, और जो मैं फोटोज भेज रही हूँ वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है.